सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है संधि। पिछली कक्षा में हमने गुण संधि, यंत संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो आईवा या वो ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो क्रमशः ए को अय, ओ को औ, ए को आय तथा ओ को आव हो जाता है। ए को अय, ओ को औ, आई को आय और औ को आव हो जाता है। जैसे ने धन अनम, ने धन अनम का नयनम बना। कैसे? ने में न में अ ए है तो एक स्थान पे क्या आएगा? अय। तो एक स्थान पर अय आने पर न अय अनम, इसको मिलाएंगे तो नयनम शब्द बनेगा। हरे धन ए, हरे ये, हरे कैसे बनाया? हरे रमे ए, ए को क्या बनेगा? अय। हर अय धन ए, हर ये। पो धन अनम, पवनम, पवनम कैसे बना? पो, पो, प में ओ है तो ओ को क्या बनता है? अव। प धन अव धन अनम, प अव नम, पवनम शब्द बना। बो धन अवन अनम, भवनम, भवनम कैसे बना? बो, ब में ओ, ओ को क्या बनेगा? अव। ब अव धन अनम, इसको मिलाएंगे तो भवनम बनेगा। मे धन अकह, नायक, नायक कैसे बना? ने, न में आई की मात्रा है, आई को क्या बनेगा? आय। तो न आय धन अकह मिलाएंगे तो नायक शब्द बनेगा। गे धन अकह, गायक, गायक कैसे बना? गे, ग में ऐ की मात्रा, ऐ को आय बनता है तो ग धन आय धन अकह, इसको मिलाएंगे तो गायक शब्द बनेगा। पौ धन अकह, पावक, पावक कैसे बना? पौ, प में औ है तो औ को क्या बनता है? आव। प धन आव धन अकह, पावक शब्द बना। नव धन इकह, नाविक, नाविक कैसे बना? नव, न में औ की मात्रा है, औ को क्या बनता है? आव। न धन आव धन इक, नाविक शब्द बना। दव धन अकह, दावक, दव, दव कैसे बना? दव में औ की मात्रा है और औ को क्या बनता है? आव। दव द धन आव धन अकह, दावक शब्द बना। ये आपकी अयादि संधि पूरी हुई। अब आपको होमवर्क करना है, अयादि संधि हेडिंग लगानी है, इसका सूत्र लिखनी है और इसकी ये परिभाषा लिखनी है और इसके एक से लेके नौ तक आपको उदाहरण करने हैं। फिर पहला प्रश्न करना है, दूसरा प्रश्न करना है और तीसरा प्रश्न करना है और चौथा और पांचवा, ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।